आज हम लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है बुलेट ट्रेन का चाइना में। सुबह एग्जैक्ट 7 बज रहे हैं और चाइनीज बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अरे लो टेक दिस फ्रॉम माय साइड टेक इट। मतलब अगर आप लोगों की टिकट बुक्ड है तो ही आप लोगों को रेलवे स्टेशन में एंट्री देने देंगे। टिकट चेक हो रही है, टिकट है कि है। और ये है हमारी आज की बुलेट ट्रेन। मतलब भाई क्या स्पीड में चलती है, आज फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है मेरा। फटाफट से टूर ले लेते हैं बुलेट ट्रेन का। डू नॉट पुट एनीथिंग हैवी ऑन दिस टेबल, वेट लिमिट 25 kg। वाह, मतलब वाह, 25 kg इनके साथ हैवी नहीं होता। 191 किलोमीटर पर आवर, ये देखो आगे स्पीड 190 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सा है भाई? अच्छा बिजनेस क्लास है शायद। सुबह भाई इस वाले बैग की जिप ऐसी खराब हुई कि सारा सामान मुझे इसमें से ट्रांसफर करना पड़ा इस वाले बैग में। ये वाला बैग इतना हल्का किया था मैंने कल, सारा फालतू का सामान बाहर फेंक के वापसी उतना भारी हो गया। तो गंगजू जाके आज बैग लेना पड़ेगा वहाँ पे इंडिया जाने से पहले। चलो ठीक है ना मंगूर भाई, ओके बाय बाय। इनको आज हम अलविदा कर रहे हैं, ठीक है, निकल रहे हैं दूसरी सिटी। ये जाएंगे अपने अलग रास्ते। सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं भाई, अंधेरा दिख रहा होगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि भाई सर्दियों का मौसम चल रहा है चाइना में और सर्दियों में सनराइज लेट होता है थोड़ा, यही रीज़न है अंधेरा होने का इस टाइम पे। बट 6 बज चुके हैं, लगभग 8:15 की हम लोगों की आज की बुलेट ट्रेन है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए फ्रेश ब्लॉग में। राइट नाउ इन चाइना, चाइना की एक सिटी चोंगक्विंग में आज हम लोगों का लास्ट डे है। लास्ट डे है, लास्ट मॉर्निंग बोल लो, ठीक से मॉर्निंग हुई है नहीं है। अभी निकल रहे हैं यहाँ से आज दूसरी सिटी जो कि बहुत फेमस है इंडियंस के लिए, मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं उन सब के लिए। गंगजू की हम लोगों की बुलेट ट्रेन होने वाली है चाइना का आज फर्स्ट एक्सपीरियंस, मतलब हम लोग बुलेट ट्रेन का फर्स्ट एक्सपीरियंस। हेलो। ये हमारे होटल के नीचे सारे आउटलेट्स बने हुए हैं, नीचे छोटी छोटी फूड चेन्स 24 घंटे खुली रहती हैं। जगह दिखाऊँ? चलो भाई पहले जगह दिखाते हैं, गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। ओपन दी बूट। जैसे समझा दिया इनको, सामान डालते हैं इसके अंदर। अब इनका तो बूट स्पेस ही नहीं है क्या? हाँ CNG लग रही है, सिलेंडर है भाई। मेरा बैग तो यहीं आना पड़ेगा। चलो कोई यहाँ रख देते अपना बैग। बड़ी खटारा सी टैक्सी है भाई ये तो, अच्छी टैक्सी रोक लेते यार, पीछे इतनी नई टैक्सी खड़ी थी। लेट्स गो। हाँ जी, तो बात कर रहे थे कि आज हम लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है बुलेट ट्रेन का चाइना में। अभी तक मैंने कभी भी बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी ना किया है और ना ही आप लोगों को दिखाया, क्योंकि हमेशा मौका ही नहीं मिला यार। लास्ट टाइम जब मैं सिंगापुर गया था वहां पे भी सोचा था मैंने करूंगा, रशिया गया वहां पे भी सोचा था करूंगा, बट नहीं, मौका ही नहीं लगा क्योंकि टिकट इतनी महंगी होती थी। बट चाइना इस बार मैं सोच के आया था कि बुलेट ट्रेन एक ना एक बार तो जरूर जाना है, क्योंकि टिकट थोड़ी ना एक्सपेंसिव होती है बुलेट ट्रेन की। ओवरनाइट जर्नी हमने उस दिन इसी वजह से ली थी क्योंकि 10,000-10,000 रुपए की टिकट है भाई वन साइड, अगर आप बुलेट ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो। ये वाली टिकट प्राइस हम लोगों को जो मतलब यहाँ से चोंगक्विंग से गंगजू की पड़ी है लगभग 6,000 के अराउंड पड़ी है। सबसे बेकार एज इन की बुलेट ट्रेन की सबसे लोएस्ट जो वेरिएंट की सीट होती है ना वो, ठीक है। चल के पूरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कैसा है, आप लोगों को भी दिखाते हैं बुलेट ट्रेन आखिरकार होती कैसी है। देखी सबने होगी, बट इस रूट पे चलने वाली का आज एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बाकी गंगजू हम लगभग 1:30 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे, वहां पर फिर क्या कहते हैं आयुष को काम है। बाकी कल की बात बताऊं भाई, तो जैसे कि आपको पता है एक दिन हम लोगों ने एक्सटेंड किया था चोंगक्विंग में, बट मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी शूट करनी। पता नहीं क्या हो गया था कल, मतलब एक दिन एक्सटेंड किया कि घूमूंगा, एक दो जगह जाना भी था, बट पता नहीं मतलब कैमरा उठाने का बिल्कुल इच्छा ही नहीं हुई। ये लोग कह रहे ऐसे ही चलो, मैं गया ही नहीं बाहर। कल पूरे दिन मैं रूम पर पड़ा हुआ था, मतलब अपनी एडिटिंग वगैरह करी मैंने, आराम से नींद कंप्लीट करी, तो आज एकदम अच्छा सा फील हो रहा है बाहर निकलने। मतलब सोचो 48 आवर्स बाद में निकला हूं। बाकी निकल चुके हैं यहाँ से रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन हम लोगों का है चोंगक्विंग वेस्ट, जो कि थोड़ा सा दूर है, लगभग 19 किलोमीटर के आसपास है, तो इसी वजह से टैक्सी कर लिया, वरना वैसे टैक्सी कर रहे हैं हम यहाँ पर, एक्सपेंसिव है नहीं थी टैक्सी। बाकी टैक्सी देख रहे हो, अंकल ने यहाँ पे अपना टूथपेस्ट और बढ़िया ब्रश व्रश सब रखा हुआ है। नाइट शिफ्ट कर रहे होंगे पक्की बात, पूरी एकदम गंदी सी हो रखी है अंदर से, स्मेल सी भी आ रही है अजीब सी, बट कोई दिक्कत नहीं है। चलो 15-20 मेरे हिसाब से आधे घंटे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। लो भाई पहुँच गए चोंगक्विंग वेस्ट रेलवे स्टेशन। बहुत जल्दी पहुंचा दिया भाई साहब, खींच के, कोई जाम नहीं था कुछ नहीं। ये हमारा बिल बना अब 41 युआन भाई, अभी तक का हाईएस्ट, इतना नहीं गया अभी तक हमारा बिल, 30-32 से ऊपर नहीं गया अभी बार, बट कोई नहीं, चलो आए भी हैं लगभग 20 किलोमीटर। मुझे लग रहा है कि नाइट शिफ्ट का कुछ हो सकता है जिसकी वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा लगा है, क्योंकि 20 किलोमीटर के लास्ट टाइम 31 युआन कुछ दिए थे। तो भाई सुबह एग्जैक्ट 7 बज रहे हैं और चाइनीज बच्चे स्कूल जा रहे हैं कॉलेज जा रहे हैं, पता नहीं आगे क्या सीन होता है। okay. बट ये हमें लेके आए हैं स्टेशन से। थैंक यू वी हैव वाटर।
चलो कोई नहीं, बाकी रीजन यहाँ पर आने का ये है, सामने शॉप है इनके पास बिल्कुल भी चेंज नहीं था, तो मतलब एक रुपया भी चेंज नहीं था इनके पास, कह रहे अभी भी पहली वो नहीं हो रही है ये समझ लो, तो इस वजह से उन्होंने बोला कि चलता हूँ मैं अपने लिए कुछ खरीद लूंगा ठीक है। और मीटर मैंने पहले देख फोटो खींच ली थी, 41 के आसपास बिल था, उतना ही दे देंगे इनको, उसके बाद हमें वापस ड्रॉप कर देंगे। हमारा टाइम तो अच्छा खासा है, इतना कुछ लेट हो नहीं रहा अभी। चलो भाई सामान वामान भी उतार दिया भैया ने। अच्छा हमारा बैग तो इधर है। ओके टेक दिस। अरे लो Take this from my side, take it. अरे इन्होंने पानी वानी भी दिया भाई, एक्स्ट्रा भी घुमाया हमने, कहा चल ठीक है कोई नहीं, 10 युआन में कोई माड़ा नहीं है। 41 युआन का बिल था बट 40 ही काटे इन्होंने, प्लस में पानी वानी भी लाके दे दिया। निकलते हैं भाई, सामने आ गया है चौकिंग वेस्ट रेलवे स्टेशन, अंदर चलते हैं। वेटिंग टाइम होगा लगभग 1 घंटा में वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक टिकटिंग है, यहाँ रेलवे एंट्रेंस है। चलो भाई अपना इधर ही चलते हैं, ऑटोमेटिक में तो हमारा स्कैन होता नहीं है कभी कभी, वैसे तो हो जाता है बट यहाँ पर मैनुअली करवा के एंट्री कर लेंगे। हाँ भाई ऑटोमेटिक स्कैनिंग वाली मशीन लगी हुई है, हम लगा रहे थे बट उन्होंने कहा यहाँ मत करो, जाओ वहाँ सामने मैनुअली करवाओ और एंटर करो। भाई कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से करवा लेते हैं। इन्होंने क्या बोला हमें समझ नहीं है, हमने क्या बोला इनको समझ नहीं आया, बट कह जाओ 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 जाओ, मतलब आपका बेसिकली क्यों चेक करते हैं ये लोग, मतलब अगर आप लोगों की टिकट बुक्ड है तो ही आप लोगों को रेलवे स्टेशन में एंट्री देने देंगे लेने देंगे ये लोग, उसके अलावा आप एंटर नहीं कर सकते रेलवे स्टेशन में। ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, फालतू की भीड़ भड़क का नहीं है रेलवे स्टेशन के अंदर। अगर चेक हो गए यहाँ पे, निकलते हैं भाई, यहाँ पर देखते हैं पहले अपनी ट्रेन अभी तक। अच्छा वैसे अभी कहाँ लगेगी, मतलब जो मैं बता रहा था ना कि रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी अगर आप लोगों के पास टिकट नहीं है तो। और एक चीज़ और अच्छी, जब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नहीं आती ना 15 मिनट का ड्यूरेशन मिलता है, मतलब 15 मिनट पहले आप लोगों को गेट खोल के प्लेटफॉर्म पर भेजा जाएगा। प्लेटफॉर्म पर मैं आपको दिखाऊंगा, और ये बुलेट ट्रेन के साथ नहीं है, जितनी भी ट्रेन चलती है ना सारी की सारी ट्रेन का यही सीन है, मतलब जब ट्रेन आएगी 10 मिनट पहले आप लोगों को फाटक खुलेगा तब आप प्लेटफॉर्म पे जा पाओगे, उसके बाद आप ट्रेन में एंटर कर पाओगे। तो ये भी सही है, भगदड़ वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फालतू की कोई भीड़ नहीं लगेगी प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन आएगी लोग चढ़ेंगे ट्रेन निकल जाएगी, प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा खाली। तो ये रही भाई देखो डिस्प्ले स्क्रीन, इस पे लिखा हुआ है ना ये G3721 चाइनीज में लिखा हुआ है ठीक है। हमारी 8:28 की टिकट है, मतलब ट्रेन है सॉरी ठीक है, तो इसी में जाना हम लोगों को। लगभग 2:50 मतलब 3 बजे के आसपास हम लोग पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे जो कि गंगजाऊ है। तो ठीक है मेरे हिसाब से होटल बुक्ड है, चेक इन कर लेंगे, बट अब जगह ढूंढते हैं बैठने की। पर ऐसे ऐसी सीट्स बनी रहती हैं, देखो कितनी बढ़िया कंफर्टेबल सीट दिख रही है। आयुष यहाँ पे आराम से रेस्ट कर रहा है, मैं चलता हूँ ऊपर वहाँ पे केमार्ट है, वहाँ से कुछ खाने के लिए ले लेता हूँ क्योंकि जर्नी होने वाली है बहुत लंबी बुलेट ट्रेन में। मुझे लगता नहीं कि कुछ खाने के लिए वो लोग लेके घूमते होंगे, ओवरनाइट ट्रेन में जिसमें हम गए थे उसमें तो बढ़िया वेंडर्स मतलब फ्रूट सेलर्स और कुछ ना कुछ खाने के लिए आ रहा था, बट इसमें नहीं मिलेगा। तो केमार्ट से कुछ ले लेते हैं ट्रेन के लिए भी और खाने के लिए भी। रक्सैक से ही लगता है मेरे को, पीछे रक्सैक टांग लिया ना मैंने, आगे वाला बैग लिया तो अभी इतनी दिक्कत भी नहीं हो रही चलने में, पता नहीं क्यों, क्योंकि आगे से पीछे से दोनों से प्रेशर पड़ रहा था तो ऐसा लग रहा था भाई कि जल्दी से हटे ये कंधे से, बट अगर सिर्फ यही यही है तो मैं इसको टांग के तो भाई आराम से घूम सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं रहती। बस भाई ये इसमें स्पेस तो बहुत है बट कपड़े वगैरह सब खराब हो जाते हैं, तो इसमें मैं प्रेफर नहीं करता रक्सैक कहीं पे लेके जाना। बट ऐसे बैकपैक स्टाइल अगर आपको घूमना है भाई तो रक्सैक से अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि ट्रॉली के साथ आप ब्लॉगिंग कर ही नहीं पाओगे। ओ भाई साहब ये मैंने अभी नोटिस किया, देखो बिजनेस क्लास लाउंज, मतलब हम लोगों को जब टिकट बुक करते हैं ना मतलब trip.com से, मतलब आपको बता दूं अगर चाइना में कोई टिकट बुकिंग करानी है आपको तो trip.com बेस्ट है, और किसी साइट पे ट्रस्ट मत करना, कोई ऑप्शंस नहीं मिलते। ट्रिप क्या कहते हैं मेक माई ट्रिप booking.com या फिर, मैं ऐसा कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ किसी भी वेबसाइट को, द थिंग इज़ कि उस पर इतने ऑप्शन दिखाएगा ही नहीं क्योंकि हमने सारी चीज़ें ट्राई करी हैं। मैं तो भाई सारी एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, मतलब जहाँ मुझे सस्ता पड़ता है वहाँ से कर देता हूँ, कोई एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन में बुक कभी भी नहीं बोलता कि इससे करो। बट चाइना के लिए तो भाई trip.com मस्ट है, क्यों, क्योंकि भाई इतने ऑप्शन मिलते हैं, फ्लाइट बुकिंग कर सकते हो आप इंटर चाइना, मतलब अंदर ही चाइना के जाना है तो, ट्रेन बुकिंग कर सकते हो करनी है तो, होटल बुकिंग कर सकते हो, भर भर के ऑप्शन मिलते हैं trip.com पे। तो वही बता रहा था मैं कि trip.com पे जब टिकट बुक करोगे तो वहाँ पर ऑप्शन आता है कौन सी क्लास की टिकट चाहिए आपको ट्रेन की, तो उसमें बिजनेस क्लास भी होती है, तो अगर आप बिजनेस क्लास की टिकट लेते हो तो आपको यहाँ पे लाउंज का ऑप्शन मिल जाएगा। ले लिया भाई बिस्किट चॉकलेट जूस, साथ में यहाँ पे मुझे भुट्टा दिख गया है, मैंने चलो ये भी दे दो थोड़ा तो पेट भरेगा इससे, और बाकी सब तो नॉन वेज ही भरा पड़ा है यहाँ पे, तो उस पर ध्यान देना नहीं अपन ने। टोटल बिल देखते हैं 36 युआन, हाय राम, लगभग 400 रुपये का बिल आ गया इन चार चीज़ों में। चीज़ और बताऊँ भाई अगर आपको, तो ये देख सकते हो आप, मतलब यहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन पर ना सारी ट्रेन के नंबर उनकी टाइमिंग वगैरह सब लिखी हुई है, बट आपको पता कैसे चलेगा कि कब एंट्री लेनी है, वो है ये देखो ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है ना, मतलब इसके लिए आप चेक इन कर सकते हो अब, रेड वाला मतलब लास्ट कॉल है, और अभी अभी अनाउंसमेंट भी हुई थी, मतलब ये अनाउंस कहते रहते हैं टाइम टू टाइम कि इस वाली ट्रेन का नंबर, मतलब ये जो ट्रेन नंबर है इसकी लास्ट कॉल चल रही है, अब फटाफट आ जाओ, तो अनाउंसमेंट होती रहती है। ट्रेन का नंबर अपने 3721 है, ये देखो ये 8:28 और यहाँ पर 14B पर लाइन लगनी शुरू हो गई है, बट हम लोग आराम से बैठे हैं अभी,
क्योंकि है अच्छा खासा टाइम अभी लगभग आधा घंटा है, कहाँ इस रक्से को टांगे हुआ, मैं आधा घंटा लाइन में खड़ा रहूँ, मतलब 20 मिनट के आसपास, क्योंकि 10 मिनट पहले गेट खुलता है, तो कोई नहीं पीछे लेफ्ट से एंड में लग जाएंगे, फटफट हो जाता है भाई, मतलब यहाँ यहाँ तक लाइन हो ना तो भी मुश्किल से 2 मिनट में पूरा क्लियर करवा देते, इतना फास्ट है प्रोसेस सारा। भाई बोर्डिंग शुरू हो गई, जैसे लाइन में आके लगे वैसे ही, मैं कहा चल सही है, ज़्यादा नहीं खड़ा रहना पड़ा। अरे तो वैसे भी अलग ही लाइन है भाई, यहाँ पे स्कैन करना पड़ता है, स्कैन नहीं होता इतना पड़ेगा, भेजेंगे, चलो हो गया चल चल चल। टिकट चेक हो रही है, टिकट है कि है, ओके थैंक यू, चलो जी चल 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 चल। ये देखो भाई प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं, सिर्फ ये जो लोग उतर रहे हैं ये इनको इसी ट्रेन में जाना है, और ये है हमारी आज की बुलेट ट्रेन, देख लो भाई कुछ ऐसी सी दिखती है, फ्रंट से दिखाने का मन था बट कोई नहीं, ऐसी देख लो, पहले मैं देखूँ किस डब्बे में है, सीट्स भी देखनी पड़ेंगी भाई कौन से डब्बे में, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ। अच्छा हाँ ये रही ना स्क्रीन से, ये रही 7 है, देखने अपने कौन सी बोगी है। अच्छा हाँ मैंने जस्ट अभी नोटिस किया कैरेज 1 लिखा हुआ है, तो शायद सबसे पहली बोगी में हमारी सीट, सही है चलो मस्त मिल गया फिर तो, बट दिखे तो पहले है किधर, ये शायद फर्स्ट क्लास है, हाँ ये है कैरेज 3, वो कैरेज 2 और सबसे आगे कैरेज 1, फटाफट चलते हैं, लेट हो गए, सिर्फ 8 मिनट बचे हैं गेट बंद होने में। ये देखो भाई कुछ ऐसी सी दिखती है सेकंड क्लास, मतलब सिर्फ एक नॉर्मल सीट दे रखी है, कंफर्टेबल होगी क्योंकि ये रिक्लाइन होती है, तो इस वजह से सही है, कोई तो दिक्कत वाली बात नहीं है। कैरेज 1 है ना, कैरेज 2, कैरेज 1, अच्छा इधर से एंट्री है कैरेज 1 की भी। लो भाई ये है अपनी सीट 6ABC, हमारी है 5A और B, विंडो नाम की है भाई, विंडो तो है ही नहीं यहाँ पे, लो हो गया पोपट, चलो कोई नहीं भाई क्या ही कर सकते हैं, बैग वगैरह रखने के लिए ऊपर देख रखे हैं, कैरियर बैग यहाँ रखता हूँ, उसके बाद पूरा टूर देता हूँ। देख लो भाई सामने से बुलेट ट्रेन कुछ ऐसी सी दिखती है, मतलब भाई क्या स्पीड में चलती है, आज फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है मेरा, ये देखो भाई चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो, वो कह रहे हैं बाहर मत जाओ भाई इसके अंदर ही रहो, ओके चलो ठीक है। यहाँ से भी गेट है भाई, मैं तो आगे से घूम के आया था, बट हमारी सीट सबसे पहली वाली है, बाकी ऑब्वियसली कोई भी विंडो ओपन नहीं होती है बुलेट ट्रेन में भाई, इतनी तेज हवा आती है, 180-102 मतलब 200 के ऊपर ही चलती है मेरे हिसाब से, लास्ट टाइम जो हमने शेंजन से जब हांगकांग से शेंजन आ रहे थे तब नॉर्मल ट्रेन थी सिर्फ 15-20 मिनट की, वो 170-180 पे चल रही थी भाई, इसकी स्पीड क्या होगी, इसमें तो आगे स्क्रीन भी लगी हुई है बड़ी बड़ी, उसमें दिखाऊंगा स्क्रीन क्या है, बाकी ये सही है भाई, इसमें कोई भी स्मोकिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती, मेरा तो दिमाग खराब हो गया था जब आ रहे थे ना हम चौंकिंग, मतलब इतना स्मोक भाई, स्मोकिंग अलाउड है यहाँ की ट्रेन्स में, जो लोकल ट्रेन्स होती हैं और डब्बे के अंदर ही, और पूरी खिड़की खुली रहती है, जैसे ही कोई गुफा आती है उसमें घुसती है ट्रेन, सारा का सारा धुआं एकदम कैबिन में आता है। नमंगूर भाई की उसी वजह से तबियत खराब हुई, मेरी भी पूरी रात हालत खराब थी, चलो ये ठीक है, टचवुड मेरी तबियत खराब नहीं हुई, वरना मैं भी पड़ा रहता उनकी तरह एक रूम में, बट ठीक है चलो कोई नहीं, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आराम से ट्रैवल करेंगे, 6-6.5 घंटे की जर्नी होने वाली है, 3 बजे के करीब हम लोग पहुंचेंगे, और थोड़ा सा लेट बुकिंग करवाई थी, वैसे तो जल्दी है 8 बजे के आसपास, बट पहुंचने में लेट हो जाएंगे, आयुष को थोड़ा काम है वो जाएगा, मैं शायद से थोड़ी नींद पूरी करूंगा क्योंकि ये सेटिंग है भाई, नींद तो इसमें आनी नहीं मिली। चलो भाई फटाफट से टूर ले लेते हैं बुलेट ट्रेन का, यहाँ पे गर्म पानी का एक छोटा सा नल दे रखा है, गर्म पानी किसी को चाहिए हो, हमें तो नीड है नहीं क्योंकि रेडी टू ईट नहीं है, ये शायद से वॉशरूम है, हाँ वॉशरूम है ये वाला, ठीक है, और कुछ ऐसे से यहाँ की डब्बा है, ये देख लो सेटिंग पूरी की पूरी, यहाँ पर भी है गर्म पानी का, लगेज वगैरह के यहाँ दे रखे हैं, ऐसी सी कुछ सीट्स हैं, सेटिंग ही है सारी, कोई भी वो नहीं है, रिक्लाइनर लगे हुए हैं सारी सीट्स में, अच्छा खासा लेग स्पेस भी है, बैठ के दिखाता हूँ अपनी सीट, ये रही भाई अपनी सीट पे कोई आया ही नहीं यार, पता नहीं कैसे, सही है चलो, लेग स्पेस अच्छा खासा दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं होनी, रिक्लाइन भी हो जाएगी तो आराम से बैठ जाएंगे, शीशा नहीं है इसका, थोड़ा सा दुख है क्योंकि बाहर देखने में मज़ा आता है इतनी तेज़ स्पीड में, बट यहाँ से थोड़ा कोशिश करूँगा सिनेमैटिक्स वगैरह मिल जाए, उस तरफ भी नहीं होता, ऐसी सीट मिल रही थी बताओ, लाइफ की पहली बुलेट ट्रेन है ये, उसके बावजूद भी सिनेमैटिक्स नहीं ले पाऊंगा यार, इतना दुख हो रहा है सीरियसली, क्या ही किस्मत है बताओ। बाकी सामने यहाँ पर एक सैनिटरी बैग दे रखा है, छोटी सी टेबल दे रखी है कुछ खाने पीने के लिए या काम वगैरह करने के लिए, जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी अगर एडिटिंग वगैरह करनी है तो, बाकी तो नॉर्मल सा है भाई, ऐसा लग रहा है कि एकदम फ्लाइट में बैठे हुए हैं, देखोगे ना तो 1% बाहर नहीं आने देते लोग, अभी इसका बैग थोड़ा सा बाहर लटका हुआ था, इन्होंने अंदर कर दिया क्योंकि इतनी स्पीड में चलती है भाई, कुछ नहीं पता क्या गिर जाएगा इसके सर पे। सामने यहाँ पर एक छोटी सी डिस्प्ले स्क्रीन दे रखी है, स्क्रीन तो नहीं लग रही देखने में, बट है ये डिस्प्ले स्क्रीन, उस पर स्पीड वगैरह टेम्परेचर वगैरह सब कुछ आता रहेगा। ये देखो भाई अभी भी नोटिस किया मैंने, लिखा प्लीज़ डो नॉट पुट एनीथिंग हैवी ऑन दिस टेबल, वेट लिमिट 25 kg, वाह मतलब वाह वाह 25 kg इनके साथ हैवी नहीं होता, मतलब लेस देन इक्वल टू 25 kg लिखा हुआ है यहाँ पे 25 kg भाई, फ्लाइट का लगेज होता है सोच, अरे भाई मतलब देखने में तो इतनी ज़्यादा हैवी लग, मतलब इतनी मजबूत लग नहीं रही है, बट कह रहे हैं 25 kg तो ठीक है, 25 kg झेल लेती होगी। अपना बैग रख के देखो।
चलो जी, शुरू हो चुकी है हमारी बुलेट ट्रेन की जर्नी। लगभग 6.5 घंटे आज इस ट्रेन में लोग बैठने वाले हैं। बढ़िया व्यू है बाहर का। और बाकी बता दूं आप लोगों को, नॉर्मल ट्रेन्स का और बुलेट ट्रेन्स का जो ट्रैक है यहाँ पे, दोनों सेम ही रहता है। बस मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैंने पढ़ा भी था कहीं कि बुलेट ट्रेन के जो ट्रैक्स होते हैं ना, मतलब जो टायर्स होते हैं वो मैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि इतनी स्पीड में चलती है भाई, कहीं टेक ऑफ ही ना कर जाए। टेक ऑफ तो नहीं करेगी, बट इतनी स्पीड पर डीरेल होने का खतरा ज़्यादा होता है। इस वजह से बुलेट ट्रेन के जो टायर्स होते हैं, मतलब जो इसके आयरन व्हील होते हैं, वो थोड़े बहुत मैग्नेटिक होते हैं। सुना है मैंने, कंफर्म नहीं, किसी को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी इसमें भाई एयर होस्टेस जैसी होती है ना प्लेन में, इसमें भी होती हैं ट्रेन होस्टेस, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इनको, बट होती हैं इसमें भी, हेल्प वगैरह करने के लिए, सामान वगैरह रखने के लिए। ऐसा जिसमें कुछ हमारी मील वगैरह इंक्लूडेड नहीं है, क्या हो गया? अच्छा हाँ, इसके नीचे पीछे कर इतना भी मत कर, पीछे वालों को दिक्कत होगी। बस ठीक है, इसमें जो बटन होता है ना वो यहाँ पर दे रखा है, इसके नीचे, ये देखो यहाँ पर साइन है ना, इसके जस्ट नीचे बटन दबाने पे सीट पीछे होती है। अब थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है भाई। भाई स्पीड पकड़ ली एकदम, स्पीड यहाँ दिखा नहीं रहा, बट सब कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है। स्पीड दिखाया तो मज़ा भी आया, देख के कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। तो पकड़ ली भाई, राउंड स्पीड देख रहे हो? ओ भाई साहब, भाई धुंध देखो बाहर, देख रहे हो ठंड कितनी है बाहर का टेम्परेचर। सामने स्क्रीन पे आया था लगभग 7 डिग्री सेल्सियस हो रहा है बाहर का, और एक्चुअल है ये, फील्स लाइक कितना हो रखा होगा, हवा वगैरह चल रही है। मुझे लगा था इसमें नहीं आते, इसमें भी आते हैं भाई खाने पीने वाले। और इनकी तो चाइनीज़ की इतनी अजीब सी आदत है ना, मतलब भाई हर सीट पे हर एक बंदा इस टाइम पे कुछ खा रहा है, कुछ ना कुछ चबाने की आवाज़ आ रही है, पैकेट्स की आ रही है, मतलब खाते भी तो ट्रैवल करते हैं, स्नैक्स वगैरह खाली कोई भी नहीं, हर टेबल पर खाने पीने कुछ ना कुछ रखा ही हुआ है। सब अभी सामने डिस्प्ले पे वो आई थी, क्या कहते हैं, स्पीड 191 किलोमीटर पर आवर। ये देखो आगे स्पीड 190 किलोमीटर पर आवर, अभी बढ़ेगी, पता नहीं कब बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी। 190 पे चल रही है इस टाइम पे, 170 तो चलो फील कर चुके, तो मुझे 200 से ऊपर फील करना है। और ये फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रखा, यही है स्पीड। धुंध देखो भाई, बात ठंड कैसी हो रखी है बाहर, पूरा जंगल एरिया ना, इस वजह इतनी धुंध है, कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, एकदम ब्लैंक। बाहर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंडा था, और अंदर आके जैसी गर्मी मिली ना, बॉडी ऐसे हाइबरनेशन मोड पर जा रही है। नींद कंप्लीट हुई नहीं, सिर्फ 2.5-3 घंटे ही नींद ली है। मैं जा रहा हूँ भाई सोने, थोड़ी देर बाद उठेंगे। हाँ, यहाँ से लगभग 5 स्टॉप लेगी ये पूरी की पूरी ट्रेन, मतलब सिर्फ 5 स्टॉप में यहाँ से चौकिंग से गंगजू पहुँचा देगी। सोचो चैनजन से जब हम यहाँ आए थे ना, कम से कम गिनती के मानो आप 15-20 स्टॉप ही होंगे पूरी ट्रेन में, ठीक है। हर छोटे मोटे स्टेशन पर रुक रही थी, बट ये नहीं रुकेगी, सिर्फ 5 स्टॉप है बड़े बड़े स्टेशन पर, और वहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट रुकने वाली है ट्रेन। बढ़िया नींद लेके उठाऊँ अभी, कम से कम 3.5-4 घंटे की आराम से, मतलब आराम से तो नहीं सो पाए, बट फिर भी थोड़ा बहुत नींद कंप्लीट हो गई है। लगभग 1.5 घंटा बचा है यहाँ से गंगजो, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, उसके बाद चेक इन करेंगे होटल में, तो सोने वाला हूँ भाई जाके। सुबह भी नींद कंप्लीट नहीं, यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है, एकदम नींद नहीं हो पा रही। टू फोर्टी सिक्स इन द आफ्टरनून, बाहर का व्यू कुछ ऐसा सा है, जंगली जंगल दिख रहा है जब से निकले हम लोग चौंकिंग से। अभी पीछे सिटी थी थोड़ी बहुत सी, बट फाइनली भाई पहुंच चुके हैं गंगजो, लगभग 10 मिनट बचे हैं यहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए। देखते हैं हमारा होटल वहाँ से कितनी दूर है, क्योंकि मैंने बुकिंग तो करा दी थी, देखा नहीं कि जहाँ पर हम पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 स्टेशन होते हैं यूजुअली हर एक उस पर, मतलब सिटी में ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, जहाँ पर भी उतारी वहाँ से देखेंगे डिस्टेंस कितना है। और ये बिल्डिंग टेढ़ी है, ट्रेन टेढ़ी चल रही है। अच्छा मैंने कहा बिल्डिंग टेढ़ी है, कुछ ऐसी सिटी है भाई, बाहर चल के देखते हैं। बाकी गंगजो के बारे में बात करूँ भाई, तो प्रॉपर बिजनेस सिटी आप कह सकते हो। चाइना में दो तीन जगह ज़्यादा चलती है, शेंजन और एक ईयू नाम की जगह जहाँ ये पहले आता जाता रहता था, उसके अलावा गंगजो है, तो ये 3 जगह है भाई जहाँ पर लोग आते हैं बिजनेस के लिए। तो होपफुली यहाँ पर मतलब इंडियन टूरिस्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि चौकिंग इतनी बड़ी टूरिस्ट सिटी है, फिर आप कह सकते हो इतना हाईटेक सिटी होने के बावजूद भी ना, वहाँ हमने एक सिंगल इंडियन नहीं देखा, मतलब लोगों की भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हो भाई गंगजो कितनी फेमस जगह है। मतलब ये लोग तो ऑब्वियसली बिजनेस के लिए नहीं आ रहे, क्या पता बिजनेस के लिए भी आ रहे हैं, क्योंकि चाइना में भी बहुत फेमस है गंगजो बिजनेस वगैरह के लिए। बट देख रहे हो सबके सब उतरने लग रहे हैं यहाँ पे, सुबह से जितने भी स्टेशन आया ना, मुझे लगता नहीं कि कोई उतरा है। तो जो बड़ी सिटीज़ थी, दो बड़ी सिटीज़ चौकिंग से गंगजो, इसके बीच में लोग ट्रैवल कर रहे हैं। लो भाई सामने आ गया है ये गंगजो स्टेशन, काफ़ी बड़ा स्टेशन दिख रहा है भाई यहाँ से। तो बाकी उतर के देखते हैं कितनी देर ये लोग प्लेटफॉर्म पर रहने देंगे, क्योंकि यूजुअली ये लोग ज़्यादा रहने नहीं देते, मुश्किल से 5-10 मिनट पूरा प्लेटफॉर्म खाली चाहिए होता है इनको। कब की अनाउंसमेंट हो गई है भाई, ये कौन सा है भाई? अच्छा बिजनेस क्लास है शायद, चलो कब की अनाउंसमेंट, अरे अनाउंसमेंट हो गई है, मतलब ये ट्रेन अब यहाँ से वापस जाएगी, मतलब गंगजो नहीं जा रही है, मतलब गंगजो से आगे ही नहीं जा रही है, गंगजो से वापसी निकलेगी। आगे ड्राइवर रहता है इसमें? हाँ रहता ही होगा वैसे,
देख लो भाई फ्रंट से कुछ ऐसी सी दिखती है। चलो भाई निकला जाए। और अभी अभी जस्ट हम लोग उतरे और भाई तुरंत इस पे लोग चढ़ना शुरू हो गए। मतलब 15-20 मिनट मैक्स टू मैक्स इसका हॉल्ट होगा, उसके बाद लोग इस पे चढ़ेंगे और ये वापसी निकल जाएगी चौकिंग की तरफ। बाकी यहाँ पर देखोगे ना सारी की सारी बुलेट ट्रेन खड़ी है। देखो ये खड़ी हुई है सामने, ये रे बुलेट, उसके पीछे वो बुलेट, ये बुलेट, इधर लेफ्ट में बुलेट, इसके जस्ट बगल में भी बुलेट है। मतलब ट्रेन का एकदम भंडार लगा पड़ा है बुलेट ट्रेन का। मुझे लग रहा है ये वाला टर्मिनल शायद बुलेट ट्रेन का होगा या पता नहीं क्या, क्योंकि दूसरे वाले टर्मिनल्स पे बुलेट ट्रेन में को दिखी नहीं थी। जब नहीं दिखी थी उस पर भी थी बुलेट ट्रेन, तो ऐसी कोई बात नहीं है।